हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, फाइनली एसएससी की तरफ से सीजीएल के लिए रिक्रूटमेंट आ चुकी है। सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट पर ये भर्ती निकली हुई है। दोस्तों बता दूं आपको, इसमें कुल 17,727 पदों पर ये वैकेंसी निकली है और ये संभावित है भविष्य में ये बढ़ने की संभावना, और ये 20,000 भी हो सकती है, 25,000 तक भी जा सकती है, क्योंकि अभी बहुत जगह पर इस वैकेंसी को नॉट रिपोर्टेड दिखाया गया है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानकारी ले देने वाले हैं आपको। और दोस्तों आपको मालूम होगा, इसमें जो पोस्ट है वो बहुत शानदार होती है, जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एएसओ, डब्ल्यूओ, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जिसके लिए जो स्टूडेंट है वो मरने तक को तैयार होता है। यानी कि बस उसको बस उसका सपना है कि एक बार एसएससी सीजीएल में रिक्रूटमेंट हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे, जैसे कि एज क्या रखी गई है, फीस क्या मांगी है, वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस, सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, प्रीवियस ईयर का पेपर कहाँ से मिलेगा और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, और वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये है आपका नोटिफिकेशन जो कि आज के डेट में आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कब से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, तो इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट है वो 24 जून यानी कि आज की डेट से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट है 24 जुलाई, ठीक है। तो टोटल आपको 1 महीना दिया जा रहा है यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए। इसकी लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 24/7। बात करें फी पेमेंट की, लास्ट डेट है 25/7। इसके अलावा जो करेक्शन विंडो ओपन होगा, अगर आपको कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय, तो वो 10 अगस्त से करेक्शन विंडो स्टार्ट होगी और 11 अगस्त तक ये विंडो ओपन रहने वाली है। इसकी बात करें कि इसका टीयर फर्स्ट कब होगा, यानी कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब होगा, तो ये एग्जामिनेशन आपका सितंबर अक्टूबर 2024 में होगा, यानी कि 24 जून की यदि बात करें तो जून है आपके पास, जून तो चलिए मान के चलिए खत्म ही हो गया, तो जुलाई है, अगस्त है और सितंबर का पता नहीं कब है, ठीक है। तो ये 60 डेज आपके पास पूरे पूरे हैं, यहाँ पता नहीं कितने मिलेंगे, यहाँ आपको टोटल 6 दिन मान के चल सकते हैं, 5 मान लीजिए, चलिए आज नोटिफिकेशन आया तो 65, और अगर 10 दिन यहाँ मिल जाते हैं तो 75 डेज, या हो सकता है ज़्यादा अगर आपको डेज यहाँ पर मिलते हैं तो 75+ आपको डेज यहाँ पर मिल रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो अभी से लग जाइए। बात करें इसका टीयर 2 यानी कि मीन्स एग्जामिनेशन कब होगा, तो वो दिसंबर 2024 में होने वाला है, यानी कि आपका जो पेपर होगा उसके 2 महीने बाद आपका ये पेपर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम डिटेल ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट पर ये भर्ती निकली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक तो आपकी पे लेवल 7 पर है, लेवल 7 की जॉब है, जिसमें आपका जो सैलरी है वो 44,900 से 1,42,400 तक रहने वाली है, और ये केवल बेसिक पे है आपका। जब आपको इनहैंड लोगे ना, ये सैलरी कितनी जाएगी पता है, ये सैलरी आपकी 85+ जाने वाली है, और तो ये भी बढ़ चुका है, तो ये उससे भी कहीं ज्यादा निकल जाएगी आपकी पोस्ट, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप, ये नेम ऑफ दी पोस्ट है, कौन सी मिनिस्ट्री किस डिपार्टमेंट में ये भर्ती निकली है, इसके अलावा कौन से ग्रुप की ये पोस्ट है, और एज लिमिट उस ग्रुप इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलरली क्या रखा गया है, ठीक है। तो ये ग्रुप देख सकते हैं आप, ग्रुप बी यानी कि ऑफिसर लेवल की जॉब है बिल्कुल, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट है एएसओ की। एएसओ में कई तरह की पोस्ट निकलती हैं जो कि आपके अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स में होती हैं, जैसे सीएसएस में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, आईबी में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, एएफएचक्यू में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो एएसओ की जो पोस्ट है वो कई सारे वेरियस विभागों में आपके लिए निकलती है, ठीक है। इसके लिए एज लिमिट आप यहाँ पर देख लेना कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो तो अब जब आप फॉर्म भरने जाएंगे ना तो फॉर्म भरेंगे तो वो ये पोस्ट सिलेक्शन तो बाद की बात है, जब आपका सिलेक्शन सब हो जाता है तब आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है, इस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, ओके। इसके बाद देखिए, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है जो कि ग्रुप सी की है, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो ग्रुप बी के, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम जीएसटी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें, प्रिवेंटिव की बात करें, इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन की बात करें, जो कि आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आता है, वो ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए, एईओ जो कि आपका ईडी में होता है, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर सीबीआई में होता है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, इंस्पेक्टर की पोस्ट है आपकी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। वो आप देख रहे हैं कितनी शानदार, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप लेवल के जो मिनिस्ट्री और
जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर आपको ये पोस्ट मिलने वाली है। देख सकते हैं आप सारी ग्रुप बी की पोस्ट वाली है। इसके बाद फिर लेवल सिक्स की पोस्ट आती है जिसमें आपको 35,400 का बेसिक पे रहेगा। जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 70,000 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली। इसमें भी असिस्टेंट और एएसओ की जॉब होती है जो कि अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है आप देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है। इसके अलावा JSO है यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसके लिए आपको स्टैटिक्स का एक पेपर अलग से होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोस्ट लिए। इसके अलावा पे लेवल 5 की है जिसमें ऑडिटर है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इसके बाद अकाउंटेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट में। इसके बाद पे लेवल 4 की जॉब है जहाँ पर देखिए इसकी मैं आपको सैलरी बता दूँ, इसकी जो सैलरी मिलेगी आपको 50K+ देखने को मिलने वाली है, ठीक है, और इसकी जो सैलरी रहेगी वो 45K+ आपको देखने को मिलने वाली है। ये सिटी वाइज वेरी करता है, ठीक है। इसमें देखिए पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, अपर डिवीजन क्लर्क UDC है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट है जो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये सारी ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली, और इनके लिए जो एज ग्रुप रहेगा कुछ इस प्रकार रहने वाला है, ठीक है। तो इतनी सारी पोस्ट है, ये सैलरी रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बात की गई टेंटेटिव वैकेंसी यानी संभावित वैकेंसी है, और इतनी वैकेंसी जो है SSC के द्वारा भी रिपोर्ट की गई है, 17,727। इसके अलावा अभी बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी नॉट रिपोर्टेड वैकेंसी दिखाई है, तो भविष्य में यहाँ पर बोला गया है कि अपडेटेड वैकेंसी इफ एनी अलोंग विथ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, यानी कि कितनी पोस्ट वाइज, यानी कि जैसे GST इंस्पेक्टर में कितने निकली हुई, प्रिवेंटिव में कितनी निकली हुई, ASO में कितनी निकली हुई, ये आपको बाद में भविष्य में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कैटेगरी वाइज SC में इतनी है, ST में, OBC में, जनरल में इतनी, वो भी आपको भविष्य में देखने को मिल जाएगा इन ड्यू कोर्स, यानी कि जैसे जैसे ये प्रोसेस चलेगी भविष्य में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसमें एज क्या मांगी गई है दोस्तों। तो एज लिमिट जो है आपकी 1 अगस्त 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए। कितनी कंप्लीट होनी चाहिए, जो आपको मैंने ऊपर दिखाई थी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग, 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त 2024 तक आप उस डेट के क्राइटेरिया में आते हो। एक तो आप मिनिमम 18 साल के हो चुके हो तब इसका फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा जो मैक्सिमम है, किसी में 27 साल है, किसी में 30 साल है, किसी में 28 साल है, किसी में 32 साल तक है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया 1 अगस्त 2024 तक पूरा होना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, जैसे 18 से 27 साल की अगर आपकी उम्र है तो आपका जन्म 2/8/97 से लेकर 1/8/2006 के बीच होना चाहिए। वहीं 20 से 30 की आप उम्र के हैं तो आपका जन्म 2/8/94 से लेकर 1/8/2004 के बीच होना चाहिए। वहीं आप 18 से 30 साल के व्यक्ति हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/94 से लेकर 1/8/2006 के बीच होना चाहिए। 18 से 32 साल के हैं तो 2/8/1992 से लेकर 1/8/2006 तक आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो होना चाहिए। वहीं आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे SC ST को 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को यहाँ पर 3 साल का मिलता है, PWD और अनरिजर्व जो होते हैं उनको 10 ईयर्स का रहता है। OBC में, SC ST में देखिए 13 साल 15 साल का, एक्स सर्विस मैन को यहाँ पर 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज को करने के बाद। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल को 3 साल, और डिफेंस पर्सनल जो कि डिसेबल्ड उनको 8 ईयर के यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर एक मैंडेटरी चीज़ उन्होंने बोली, देखिए कि डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप इसका फॉर्म भरने जाएंगे और जो आपके द्वारा डेट ऑफ बर्थ जाएगी फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग द एज एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट और चेंज विल बी कंसिडर्ड फॉर ग्रांटेड। यानी कि जो भी आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10th और 12th की मार्कशीट से मिलना चाहिए और अदर डॉक्यूमेंट से भी मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है तो उसको पहले करेक्ट करा लीजिए, फिर आप इसका फॉर्म भरिएगा, ठीक है। चलिए पूरा आपको इंपॉर्टेंट जो पूरा 109 पन्ने का जो आप देख रहे हैं ना नोटिफिकेशन, पूरा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें से मैं आपको निकाल के बताता हूँ। कोई भी फालतू की चीज़ आपको मैं इसमें नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरा पढ़ चुका हूं मैं, उसके बाद आपके लिए चीज लिखा। देखिए अब यहां पर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए सभी पोस्ट के लिए बेसिकली क्या चाहिए, ग्रेजुएशन आपको चाहिए, ठीक है। मेन चीज है कि सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है ना। कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें कुछ स्पेसिफिक डिग्री मानी हुई है वो आपको दिखाता हूँ, और आपकी जो भी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए 1 अगस्त 2024। आपकी जो भी एज है,
कोई भी एजुकेशनल की डिग्री है और कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स बने हों, वो 1 अगस्त 2024 तक कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद होते हैं तो आपको बहुत दिक्कत का सामना या आपका सिलेक्शन रुक सकता है यहाँ पर, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें एक पोस्ट होती है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसमें आपको बैचलर डिग्री मांगी गई है इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, यानी कि 12वीं में आपका PCM हो जिसमें 60% मार्क्स हो और बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी हो, BA, BCom, BSc कुछ भी हो चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद या फिर ये वाला होना चाहिए कि बैचलर डिग्री जो आपने की है उसमें एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिक्स का होना चाहिए, ठीक है, यानी सांख्यिकी का होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, जिसमें आप अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो उसमें मिनिमम एक सब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक्स का होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ओके, चलिए इसके बाद बात करें रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC में, रिसर्च असिस्टेंट के पद पर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई सी भी। इसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ईयर का रिसर्च का एक्सपीरियंस हो, दूसरा आपके पास लॉ की डिग्री है, ठीक है, डिग्री इन लॉ या ह्यूमन राइट्स में अगर डिग्री है तो वो वैलिड होगी। यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपके पास वो डिग्री है और 5 लोग जा रहे हैं जॉब लेने, तो अगर आप 5 में से केवल 1 के पास डिग्री है तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं, बस बैचलर डिग्री है तो चल जाएगा। इसके अलावा इसके पास जो भी पोस्ट बचती हैं उसमें ऑल अदर पोस्ट के लिए क्या है, बैचलर्स डिग्री मांगी गई है केवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। द कैंडिडेट हु हैव अपियर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउ एवर दे मस्ट प्रोसेस असेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2024, यानी कि अगर आप अपियरिंग में हैं तो 1 अगस्त 2024 तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो, आपकी डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है, ये बेसिकली मेन चीज़ है। चलिए अगली देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट जो कि न्यू वेबसाइट है ssc.gov.in, यहाँ पर आप जाएंगे और उस पर आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी है कि सबसे पहले आपको एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें सारी डिटेल्स वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए तो उसको भर लेना, और भविष्य में यही 1 टाइम रजिस्ट्रेशन को संभाल के रखना, अगर इन फ्यूचर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें ये वैलिड रहने वाला है। इसके बाद लिखा है फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ या हरसेल्फ, यानी कि आप पहले क्या करते थे, पहले फोटो खिंचवा लेते थे, तो इस बार क्या करना है, फोटो नहीं खिंचवाना है आपको, ध्यान रखना। जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने जाएंगे तो फॉर्म के बीच में ही आपको क्या करना पड़ेगा, लाइव फोटो यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है, लाइव फोटो करना है तो फोटो कोई भी नहीं खिंचवाना है। जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर लाइव फोटो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज़ बीन डिजाइन टू कैप्चर अ फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर दिस पर्पज द कैंडिडेट हैज़ टू स्टैंड या सिट बिफोर द कैमरा व्हेन प्रॉम्प्ट बाय द एप्लीकेशन मॉड्यूल। जब मॉड्यूल में उस कैमरे का सीन आएगा तो आपको बैठ के या खड़े होकर फोटो लेना है, एंड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वाइल कैप्चरिंग द फोटोग्राफ, और कुछ इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, जैसे फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। प्लेन बैकग्राउंड हो, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ले गया हूँ, प्लेन बैकग्राउंड हो पीछे से, और क्या हो, आपका जो लाइट है वो अच्छी हो वहाँ पर। दूसरा, इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग अ फोटो, और जो आपका कैमरा है ना वो आपकी आंखों के बराबर होना चाहिए। पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट आई, और आपको कैमरे के सामने आंखों में आंखें डालकर कैमरे की सीधे देखना है, ठीक है, इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखिएगा। चौथा है कि इंश्योर दैट हिज फेस इज फुल्ली इन साइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया डेलिनिएटेड बाय द कैमरा एंड दैट इज नाइदर टू क्लोज नॉट टू फार, इट शुड कवर द एरिया फुल्ली एंड नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी आउटसाइड द रेक्टेंगल, यानी कि वहाँ पर कुछ इस तरीके का हुआ, इस तरीके की विंडो ओपन होगी, इसी के अंदर आपका चेहरा वगैरह कुछ भी, जो भी आपका चेहरा है ना, इसी गोले के अंदर आना चाहिए, और भी बाहर की कोई चीज़ नहीं आना चाहिए क्लियरली, और ज़्यादा दूर भी नहीं हो, ज़्यादा पास भी नहीं हो, ठीक है। तो फोटो अच्छे से खींचना है। SSC CHSL में बहुत से स्टूडेंट ने गड़बड़ी की थी जिसके कारण उनका जो फॉर्म है वो कई बार रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए पाँचवा है कि आपको कैप नहीं पहननी है, मास्क नहीं लगाना है, ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स नहीं पहनने, ध्यान रख लेना भाई, एंड कैंडिडेट शुड नॉट वियर अ कैप, मास्क और स्पेक्टिकल या ग्लासेस। अगर आप चश्मा लगाते हैं, अगर आप मास्क लगाते हैं, अगर आप टोपी लगाते हैं, ये कुछ भी नहीं चलने वाला है, ठीक है। चलिए इन नो केस शुड द कैंडिडेट कैप्चर द फोटोग्राफ्स ऑफ हिज या हर प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ, ऑल सच एप्लीकेशन वेयर द फोटोग्राफ्स ऑफ हिज या हर प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ इज कैप्चर्ड विल बी रिजेक्टेड। साफ साफ बोलना है कि अगर आप खिंचे हुए फोटो लगाते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन विद इनअप्रोप्रिएट फोटोग्राफ और ब्लर्ड या मिनिएचर सिग्नेचर और नॉट
मीटिंग द एबव रिक्रूटमेंट्स विल बी रिक्वायरमेंट्स विल बी रिजेक्टेड समली, यानी कि जो भी इन्होंने देखिए फॉर्मेट दिया हुआ कि कितने सेंटीमीटर का कितने इंचेस का चाहिए, सिग्नेचर कितने केवी में होना चाहिए, है ना, तो वो पूरा आपको फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन। अगर आप गलत करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इस 24 जुलाई रखी गई, ठीक है, ये देखना। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं कि कितनी फीस इसके लिए रखी गई है, बात कर लेते जो आपकी फीस रखी गई है वो 100 रुपीज़ रखी गई है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं या आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 0 रुपये शुल्क यहाँ पर रखा गया है। बाकी अदर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वगैरह। ओके चलिए, ओके ये हो गया आपका। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 10 अगस्त और 11 अगस्त, 2 दिन आपकी विंडो ओपन होगी। अगर आपकी कुछ गलती हो जाती है तो आप 2 दिन में उसे सुधार सकते हैं, केवल 2 दिन दिए जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और उसके लिए कुछ चार्जेस भी लगाए जाएंगे। इसके बाद बात करें जब आप फॉर्म भरेंगे तो जब आप सेंटर के एग्जामिनेशन चुनेंगे तो आपकी सिटी में है या नहीं है ये भी इन्होंने बताया, पूरा दिया हुआ है। जैसे ये रीज़न दे रखा है, जैसे सीआर रीज़न में बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश में इन जगहों पर एग्जाम सेंटर्स हैं, जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, है ना, पटना, पुरैना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, इन इन जगहों पर क्या है इसके आपके एग्जाम सेंटर्स हैं। जैसे अगर आप एमपीआर रीजन से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो भोपाल, ग्वालियर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर्स जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपने रीजन का यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन की स्कीम क्या हुई, किस तरीके से पेपर हुआ, किस किस चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा जो कि सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है। फिर जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम जो पहला एग्जाम होगा वो होगा आपका टीयर फर्स्ट हो जाएगा। जब आप इसे पास कर लेंगे देन आपका क्या होगा, टीयर टू एग्जामिनेशन होगा जिसे हम मेंस एग्जाम बोलते हैं। फिर जब आप इसे पास कर लेंगे यहीं आपकी टाइपिंग भी हो जाएगी, टीयर टू और टाइपिंग आपका साथ साथ होने वाला है। जब आप इसको पार कर लेंगे तो आपको फिर आपके चॉइस फिलिंग आएगी, कौन सी पोस्ट के लिए आपको चॉइस, अगर आप क्लियर कर लेते हैं चॉइस फिलिंग के लिए दिया जाएगा कौन सी आप पोस्ट चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, ये स्कीम रहने वाली है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन टू टीयर्स एज इंडिकेटेड बिलो, यानी कि टीयर फर्स्ट और टीयर टू, मेनली यही दो पेपर होंगे। उसके बाद तो आपका क्या हुआ, एक यहाँ पर चॉइस फिलिंग होगी, डे भी होगा, बाकी फिजिकल वगैरह होगा किसी किसी पोस्ट के लिए, तो ये चीज़ें आपकी रहने वाली है। ओके चलिए अब देख लेते हैं कि टीयर वन में आपके क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। टीयर वन में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, पहला सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 25 और मैक्सिमम आपको 50 रहेंगे, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहेगा। ओके कितना रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। टोटल टाइमिंग आपको 1 घंटे का देने वाले हैं ये लोग, ठीक है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वगैरह जो होते हैं उनको 1 घंटे 20 मिनट मिलेगा। तो 1 घंटे में आपको कितने करने हैं, 100 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसके लिए आपको 200 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जो कि अभी 0.50 यानी कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। टीयर वन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ओटी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन फर्स्ट और उसके ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन रहने वाले हैं। और द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, जो आपकी लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी इंग्लिश रहेगी, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए इसके बाद बात करें टीयर टू का एग्जामिनेशन क्या रहेगा पैटर्न, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर क्या होगा, सेकंड देखिए टीयर टू होगा जिसमें पेपर फर्स्ट होगा, इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा, दूसरा आपका पेपर सेकंड होगा, जो कि आपका केवल जो स्टैटिक्स का एग्जाम होगा ना, आपका 2-3 पोस्ट के लिए स्टैटिक्स का एक एग्जाम होगा। तो आप अगर उन पोस्ट के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं ना, देखिए यहाँ लिखा है पेपर टू विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। केवल अगर आप जब आप स्टार्टिंग में फॉर्म भरेंगे तो जेएसओ का एक टिक करने को आता है कि अगर आपको जेएसओ का पेपर देना है तो उस पर टिक कर दीजिए। तो अब अगर आप इसको टिक करते हैं इस जॉब के लिए और आपके पास स्टैटिक्स की डिग्री है तो आपके लिए पेपर टू होगा, और नहीं करते हैं पेपर वन जो होगा वो कंपलसरी है फॉर ऑल दी पोस्ट, यानी कि ये केवल
जेएसओ के लिए होगा, बाकी को अगर जेएसओ जो भरते हैं केवल वही इस पर ध्यान दे, बाकी कोई ध्यान नहीं देगा। आपको ध्यान देना है इस ऊपर वाले पर, पेपर फर्स्ट पर, ठीक है। पेपर फर्स्ट में क्या होगा, इसमें सेशंस होंगे, सेशंस इन द सेंस कि एक ही दिन आपका पेपर होगा, है ना, और लगातार कंटिन्यूशन में आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा ड्यूरेशन देते हैं उसमें, 10-15 मिनट का वो रहेगा, बाकी कंटिन्यूशन में आपका पेपर होता है, जिसमें देखिए सेशन फर्स्ट होगा जो कि 2 घंटे 15 मिनट का आपका रहने वाला है। इस सेशन फर्स्ट में क्या होगा, एक सेक्शन फर्स्ट होगा जिसमें 2 मॉड्यूल होंगे, इसके बाद सेक्शन 2 होगा जिसमें 2 मॉड्यूल होंगे, इसके बाद सेक्शन 3 होगा जिसमें 1 मॉड्यूल रहेगा, इसके बाद इसका सेशन 2 चालू होगा 15 मिनट का, यानी कि सेशन फर्स्ट कंटिन्यूशन में होगा और वहाँ पर आपको चीज़ें पूरी करनी होंगी। इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स देंगे 10-15 मिनट का, उसके बाद सेशन 2 चालू होगा 15 मिनट का, जिसमें सेक्शन 3 होगा, सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 होगा, जिसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा, 1 डाटा एंट्री टास्क किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि जो इस तरीके से सेशन चल रहे हैं तो वो आपको किस तरीके से देखना है। कुल मिला के ये सेशन वैसे छोड़िए, सिंपल समझिए कि Tier 2 का एग्जाम है, उसमें बस आपको क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मैं क्या बताता हूँ आपको, है ना, Tier 2 का एग्जाम है जिसमें आपका क्या होगा, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, Tier 2 एग्जाम है यहाँ पर आपके क्या होगा दोस्तों, देखिए कितने कितने पूछे जाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैथ्स पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, रीजनिंग पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, GK पूछी जाएगी और कंप्यूटर पूछा जाएगा। ये है आपका Tier 2 का, ये सेक्शन फैक्शन छोड़ दो सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और इसके लिए भी आपको देखिए 15 मिनट ईच सेक्शन के लिए मिलेंगे, ओके। 60 टोटल देखिए यहाँ पर टाइमिंग लिखी होगी, मैक्सिमम मार्क्स है टाइम अलाउड है 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, इस सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा और इस सेक्शन के लिए आपको कितना 30 मिनट, सॉरी 15 मिनट आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो 2 घंटे 15 मिनट हो गए ना, ठीक है, यानी कि 1 घंटा इसके लिए मिलेगा, 1 घंटा इसके लिए मिलेगा और 15 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे, यानी कि टोटल आपका 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा। कुल मिला के 2 घंटे 15 मिनट में आपको ये 5 सब्जेक्ट करने हैं, ये सेक्शन वेक्शन सारा भूल जाओ, ठीक है। 5 ये सेक्शन है, 5 जो चैप्टर्स हैं आपके, 5 टॉपिक्स हैं, ये आपको 2 घंटे 15 मिनट में करने हैं, बस इतनी सी गांठ बांध लो, ये सब कुछ छोड़ दो, सेक्शन क्या है, मॉड्यूल क्या है, ये क्या फलाना ढिकाना को छोड़ दो। 2 घंटे 15 मिनट है जिसमें से 1 घंटे मैथ रीजनिंग को मिलेगा, 1 घंटे इंग्लिश GK को मिलेगा, 15 मिनट कंप्यूटर के आपको दिए जाएंगे। देन जब आपका ये 5ों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा गैप मिलेगा आपको यहाँ पर 10 से 15 मिनट का, फिर सेशन 2 चालू होगा जिसमें आपकी टाइपिंग कराई जाएगी, खत्म, फिर आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि मैंने थोड़ा समझा दिया आपको, अब इसमें देख लेते हैं कि कितने टाइमिंग रही, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना क्या रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सेशन फर्स्ट होगा जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज जो रहेगी 30 क्वेश्चन रहेगी, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, कितने का, 3 मार्क्स का। इसी तरह के रीजनिंग होगा 30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल होगा 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल मार्क्स कितने हुए, 180, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हुए, 180, कितने हुए टोटल मार्क्स, 180 हुए और टाइम अलॉटेड है 1 आवर ईच, यानी कि इन दोनों के लिए कितना, 1 घंटा मिलेगा। इसके बाद बात करें दोस्तों, फिर आपका यहाँ पर सेक्शन 2 होगा जिसमें इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस होगा, जिससे इंग्लिश से पूछे जाएंगे 45 क्वेश्चन और GA से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात कर लें कि यहाँ पर टोटल कितने हुए, 70, 70 और × 3 कितने हुए, 210, तो 210 का रहेगा ये टोटल आपका, 70 क्वेश्चन 3 मार्क्स का प्रत्येक, तो 210, इसके लिए भी आपको कितना, 1 घंटा यहाँ पर दिया जाने वाला है, ओके। 1 घंटा यहाँ मिलेगा आपको, 1 घंटा ऊपर के लिए मिल गया इस सेक्शन के लिए, फिर यहाँ पर 15 मिनट यहाँ मिलेंगे आपको, ओके। ये चीज़ रहेगी जिसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन रहेंगे और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 60 नंबर मिलेंगे। और ये केवल कैसा होता है, जो आपका कंप्यूटर है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर, किसमें, इसमें आपको केवल क्वालिफाइंग नंबर लाना होते हैं, जितने भी 60 में से कट ऑफ बने, 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर, ये कट ऑफ कुछ रहती है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रहती है ना, 10 से 12 नंबर के बीच ये कट ऑफ रहती है 60 में से, तो बहुत ही मिनिमम मार्क्स पे आपका यहाँ पर ये कट ऑफ है निकल जाता है। इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, जो मार्क्स जुड़ेंगे वो 210 और 180 ये मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है, यानी कि 210 और 180 मार्क्स जो जुड़ेंगे आपके, 390 इससे आपकी कट ऑफ बनेगी, इससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये केवल क्वालिफाइंग है, ये भी आपका टाइपिंग भी क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर पूरा ऊपर का मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, पूरा मैंने डिटेल बता दिया किस तरीके से होगा, क्या चीज़ें रहेंगी। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई, वही कितने की, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ फर्स्ट 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन फर्स्ट सेकेंड एंड मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन 3rd ऑफ पेपर फर्स्ट एंड 0.50 मार्क
फॉर ईच, देखिए पेपर टू के लिए रहेगी 0.5 की, बाकी आपको जो पेपर फर्स्ट रहेगा ना, जो मैंने बताया मैथ रीडिंग इंग्लिश जी का कंप्यूटर, उसके लिए भाई एक नंबर कटेगा सीधा सीधा, यानी कि 3 नंबर तो आपको मिलेंगे बट ध्यान रखना एक नंबर कटेगा उसमें से, तो 3 में से सीधा एक माइनस होगा, 2 ही बचेंगे, 2 भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ये तो गए गए, ये तो गए ही गए, और अगले का एक और ले गया वो, समझ रहे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान, 4 नंबर आपके कटेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट, समझे। तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना, नेगेटिवली ठोकना। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट के सभी सेक्शन आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद बोला कि मॉड्यूल फर्स्ट का सेक्शन थर्ड और पेपर फर्स्ट कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, ये देना अनिवार्य है बट कैसा, क्वालिफाइंग इन नेचर है, और इसके लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को अलग अलग कैटेगरी वाइज। बात करें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, वो भी आपका कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर का, जो कि 15 मिनट का आपका DST रहेगा, ठीक है, जिसमें 2000 की डिप्रेशन आपको करवाए जाएंगे 15 मिनट्स में, ओके। चलिए ये रहेगा आपका, यहाँ पर भी लिखा हुआ कि DST विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल दी पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये भी कैसा आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, इंडिकेटिव सिलेबस क्या रहने वाला है टीयर फर्स्ट के लिए। टीयर फर्स्ट में क्या था आपका, GK, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश। तो इसके लिए सिलेबस क्या है, देखिए रीजनिंग के लिए सिलेबस देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे रीजनिंग से, जैसे कि यहाँ पर दोनों रहेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल रहेगी, है ना, जिसमें आपके इंक्लूड रहेंगे क्वेश्चन ऑफ एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशंस, ये सारा आपको रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात करें जनरल अवेयरनेस से, ये टॉपिक रहेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स वगैरह से, ये सारे आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से इतने सारे आपके जो चैप्टर्स हैं वो पूछे जाएंगे, यहाँ पर लिखे हुए, आप इसको पॉज करके स्क्रीन को, मैं ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ये वाला पेज नंबर है 22 नंबर से स्टार्ट है, ठीक है। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करें टीयर टू का सिलेबस क्या हुआ, तो टीयर टू में यहाँ पर मैथ्स का सिलेबस पूरा दे रखा है, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर पूछी जाने वाली है, ठीक है। इसके बाद फिर रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है, ठीक है। इसके बाद बात करें इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है, फिर आपका GA का सिलेबस दे रखा है, फिर आपका कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है। बेसिकली बता दूँ टीयर फर्स्ट और टीयर टू का सिलेबस जो है वो सेम है, बस फर्क है लेवल का, थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा टीयर टू में, और थोड़े से क्वेश्चंस की संख्या जो ज़्यादा बढ़ जाएगी, बस 19 से 20 होगा, इससे ऊपर लेवल नहीं आएगा, बस क्वेश्चन की जो संख्या वो थोड़ी अच्छी सी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें आपकी रहने वाली है, और अगर आप स्टैटिक्स का पेपर देने वाले हैं तो उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल के आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, ओके। चलिए मैंने बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आपके लिए ली हुई है, जिससे आपकी चीज़ें समझ में आएंगी, ओके। चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए अब इसमें कुछ नहीं बचा दोस्तों, बस केवल फॉर्म लगे हुए हैं इसमें, और ये बताया गया आपको कि फॉर्म वगैरह किस तरीके से भरा जाएगा, देखिए ये किस तरीके से फॉर्म भरना है, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसकी इसकी एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आप फॉर्म भर पाए, अब इसके बाद कुछ नहीं है। पूरी जो जानकारी थी दोस्तों मैंने आपको इस नोटिफिकेशन में बता दिया, ठीक है, पूरी जानकारी मैंने आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दी है। अब आपका इसमें रह गया है प्रीवियस ईयर का पेपर आपको कहाँ मिलेगा, मैं बता दूँ, तो प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं पूरे SSC के जितने भी 5 साल के पेपर हैं, 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर वो डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उनको अवेल कर लेना, या फिर जो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है द एग्ज़ाम हेल्पर GK, बस केवल आपके आगे आपको GK लगा देना, वहाँ पर इसके आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपकी SSC की वोकैब की क्लासेस भी चल रही है, जो कि स्पेशल SSC, CGL, MTS, जो भी आगे आपके अपकमिंग एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए बनाइए, है ना, और पहला एग्जाम होगा CGL, तो उसके लिए टारगेट करते हुए MTS, उसके बाद तुरंत 10 से 15 दिन बाद MTS होगा, तो दोनों को टारगेट करते हुए क्लास चलिए द एग्जाम हेल्पर GK के YouTube चैनल पर, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना, है ना, तो वहाँ पर आप देख लेना। इसके लिए इसके अलावा हम कंप्यूटर की क्लासेस भी चला रहे हैं, और आपकी GK भी क्लासेस आने वाली है, ठीक है, तो इसके लिए आप उसको ज्वाइन कर लेना। और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको 5 साल के पेपर मिल जाएंगे, और इस टेलीग्राम पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करें कि कट ऑफ क्या रहा था, तो मैं आपके लिए दोस्तों लास्ट 3 ईयर्स या लास्ट 5 साल का कट ऑफ ले आऊँगा, कि कितनी वैकेंसी थी, कितने फॉर्म भरे गए थे, और क्या कट ऑफ रहा था कैटेगरी वाइज पूरा, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो कम से कम वो वीडियो ही पूरी कट ऑफ की आधे घंटे की 30 मिनट की, तो वो एक अलग से वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में उस चीज़ के बारे में बता दूंगा, ठीक है। पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कट ऑफ के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट कर देना, आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है मैं आपका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।